अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, मुहर्रम और ताजिया को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ही बड़ी खबर है। मुहर्रम 2021 को लेकर कंफ्यूजन चल रहा था कि यूपी सरकार मुहर्रम और ताजिया के लिए अनुमति देगी या नहीं, तो दोस्तों इसका फैसला हो चुका है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा वह कौन सा फैसला लिया गया है मुहर्रम और ताजिया को लेकर, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, कोविड-19 के कारण सरकार ने मुहर्रम और ताजिया को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन यूपी के प्रयागराज में यूपी सरकार ने मुहर्रम और ताजिया के लिए कुछ लोगों के साथ अनुमति दे दी है। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि सभी लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें और उसी के साथ मुहर्रम और ताजिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ताजिया को लेकर सभी मुस्लिम भाई यह सोच रहे हैं कि सरकार मुहर्रम और ताजिया के जुलूस को निकालने की अनुमति दे दे, लेकिन सरकार ने अनुमति तो दे दी है लेकिन सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति दी है। साथ ही साथ दोस्तों, सरकार ने कहा है कि जिस प्रकार गाइडलाइंस में इजाज़त दी गई है बस उसी प्रकार मुहर्रम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अदर काम करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, सरकार के इस फैसले से सभी मुस्लिम भाई नाखुश हैं, क्योंकि सरकार ने सिर्फ 50 लोगों को ही इजाज़त दी है। इसलिए मुस्लिम भाई नाखुश हैं कि 50 लोगों के साथ ही मुहर्रम लोग कैसे मनाएंगे, और उसी को लेकर सभी मुस्लिम भाई नाराज हैं। सरकार से मांग की है कि सरकार सभी लोगों को ताजिया और जुलूस निकालने की अनुमति दे दें। तो दोस्तों, दी गई सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मुहर्रम और ताजिया करें, क्योंकि उसके खिलाफ अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपकी क्या राय है मुहर्रम ताजिया को लेकर, आप अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।